दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला एंटीगुआ में खेला जा रहा है। आज इस मुकाबले का चौथा दिन है। खबर सुनाए जाने तक मैच की दूसरी पारी में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 232 रन बना लिए है। टीम इंडिया की कुल बढ़त 305 रन की हो गई है। वहीं दोस्तों, दूसरी पारी में एक बार फिर से टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं निकला। मयंक ने 43 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन बनाए। वो रोस्टन चेस की गेंद पर LBW आउट हुए। भारत का दूसरा विकेट लोकेश राहुल के तौर पर गिरा। राहुल अच्छी और संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी रोस्टन चेस की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए। उन्होंने 85 गेंदों पर 38 रन बनाए। पुजारा को केमार रोच ने बोल्ड कर दिया, उन्होंने 25 रन की पारी खेली। विराट कोहली रोस्टन चेस की गेंद पर जॉन चैम्पबेल के हाथों कैच आउट हुए। विराट कोहली ने अपनी दूसरी पारी में 113 गेंदों में 51 रन बनाए। मैच के दूसरे दिन विराट कोहली दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए थे। तीसरे दिन बनाए गए 51 रन में विराट कोहली एक भी रन नहीं जोड़ पाए और चलते बने। दोस्तों, वहीं वेस्ट इंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत ब्रैथवेट व कैंपबेल ने की। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी हुई और इस साझेदारी को मोहम्मद शमी ने तोड़ा। शमी ने कैंपबेल को 23 रन पर क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। ईशान शर्मा ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने क्रेग ब्रैथवेट को 14 रन के स्कोर पर अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए तीसरी सफलता हासिल की। उन्होंने शमर ब्रुक्स को रहाणे के हाथों कैच आउट करवा दिया। ब्रुक्स ने 36 गेंदों पर 11 रन बनाए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने डेरेन ब्रावो को LBW आउट किया। ब्रावो ने 27 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली। ईशान शर्मा ने रोस्टन चेस के तौर पर इस पारी में दूसरी सफलता हासिल की। उन्होंने अपनी गेंद पर लोकेश राहुल के हाथों रोस्टन चेस को आउट करवाया। चेस ने 74 गेंदों पर 48 रन बनाए। ईशान शर्मा ने शाई होप को 24 रन पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों, ईशान शर्मा ने हेटमायर को आउट करके इस पारी का चौथा विकेट ले लिया। ईशान ने अपनी ही गेंद पर हेटमायर का कैच लपका। हेटमायर ने 47 गेंदों पर 35 रन बनाए। ईशान शर्मा ने अपनी पांचवा शिखर केमार रोच को बनाया। कप्तान जेसन होल्डर को शमी की गेंद पर ऋषभ पंत ने आउट किया। होल्डर ने 39 रन की पारी खेली। दोस्तों, कैरिबियाई टीम का 10वां विकेट कमिंग्स के तौर पर गिरा। उन्हें जडेजा ने बोल्ड कर दिया, वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पहली पारी में भारत की तरफ से ईशान शर्मा ने 5, शमी व जडेजा ने 2-2, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 1 सफलता हासिल की। दोस्तों, आपको टीम इंडिया की पारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल लाइव न्यूज़ को देखते रहे और सब्सक्राइब करें।